shooting in the dark. हाय हेलो एवरीवन, मैं अरीज खान आप सबका स्वागत करता हूँ साउथ इंडियन मूवीज पर। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने साउथ की कुछ ऐसी वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज को कवर करने की कोशिश की है, जो कि आपको एक बार तो डेफिनेटली वॉच करनी है, क्योंकि हर एक मूवी की स्टोरी ऐसी है जो कि इन मूवीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, और काफी हद तक हर एक मूवी अपने स्टोरी से आपको एंड तक उलझा कर रखेगी। तो गाइज, अगर आप इन मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, आपको ये कंफर्मली पता चल जाएगा कि कौन सी मूवी आपके लिए वर्थ टू वॉच है। तो चलिए गाइस, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर है CBI 5। इस मूवी की स्टोरी के अंदर ये देखने को मिलता है कि एक के बाद एक मर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मर्डर्स की सीरीज होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर सारे मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और उस किलर तक पहुंचने की कोशिश में लग जाता है जो कि सारे मर्डर्स कर चुका है और आगे भी करने वाला है। अब आखिर गाइज वो किलर ऐसा क्यों कर रहा है और इसके पीछे आखिर उसका मकसद है क्या, ये जानना है तो आपको इस मूवी को देखना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो मैंने इस मूवी के अंदर बास्केट किलिंग्स का कॉन्सेप्ट पहली बार सुना है, जो कि उन सारे लोगों के आसपास घूमता रहता है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो कि अब मर चुके हैं। वही मेगा स्टार मामूती अपने हेवी रोल को अपने कंधों पर एफर्टलेसली कैरी करके चलते हैं और अपने सालों की एक्टिंग स्किल्स को अपने कैरेक्टर CBI इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के तौर पर एफिशिएंटली उसे प्ले करते हैं और साथ ही कॉम्प्लिकेट केस को क्रैक करते हुए असली किलर तक पहुंचने की कोशिश में लगे रहते हैं। ओवरऑल ये एक मस्ट वॉच मूवी है जो आपको मिस नहीं करनी है। बाकी 2022 में इस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रेटिंग मिली है 5.6 की। नंबर 4 पर है रथम। एक ऐसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो कि एक ऐसे सिनिस्टर ऑपरेशन को अनकवर करता है जिसके पीछे कई सारे क्लियर कट हेड क्राइम्स की सीरीज होती है, लेकिन क्या वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उस आदमी को यानी कि उसी क्रिमिनल मास्टरमाइंड को रोक पाता है जिसने सारे क्राइम्स किए हैं, और क्या वो क्रिमिनल मास्टरमाइंड आगे जाकर और लोगों की जान ले पाता है या फिर नहीं, ये जानने के लिए आप इस मूवी को डेफिनेटली वॉच करें। सबसे पहले तो ये मूवी ये दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे डिजिटल वर्ल्ड का सोसाइटी के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और ये एक सोशल माइंड मूवी है जिसके अंदर अच्छा खासा सा मैसेज भी है, और ये मूवी आपके लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर स्टर्निंग सिनेमेटोग्राफी से लेकर वेल कोरियोग्राफ एक्शन सीक्वेंस फीचर किए गए हैं और ये इस कैटेगरी के अंदर आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। ओवरऑल ये काफी अच्छी मूवी है। बाकी 2023 में इस क्राइम थ्रिलर मूवी को रेटिंग मिली है 6.9 की, और ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। नंबर 3 पर है अनेथी। मूवी की स्टोरी के अंदर हमें थीरू नाम के एक ऐसे फूड डिलीवरी गाय के बारे में देखने को मिलता है जिसे की कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होती है, जिसे सुबू नाम की एक ऐसे हाउस कीपर लड़की से प्यार हो जाता है जो कि धीरे धीरे पूरी उसकी दुनिया बन जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब तब हो जाती है जब दोनों ही एक औरत के मर्डर केस के अंदर फंस जाते हैं। अब गाइस आगे क्या होता है, क्या थीरू और सुबू ने मिलकर कुछ किया है या फिर दोनों इनोसेंट है, ये जानने के लिए आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें। सबसे पहले तो इस मूवी को देखने के बाद आपके माइंड के अंदर यही ख्याल आएगा कि आखिर ऐसी मूवी कैसे अंडररेटेड हो सकती है, और सोसाइटी के अंदर हर एक इंडिविजुअल किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर विक्टिम का जिम्मेदार होता है। वही मूवी के अंदर एक्टर अर्जुन दास ने अपने कैरेक्टर को ब्रिलियंटली परफॉर्म किया है, साथ ही मूवी की हीरोइन है भी, और मूवी के अंदर कई सारे सोशल इश्यूज है जिन्हें की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एड्रेस किया जाता है। बाकी 2023 में इस रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को रेटिंग मिली है 6.7 की, और ये मूवी भी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। नंबर 2 पर है हर चैप्टर 1। हैदराबाद शहर के बाहर पुलिस को स्वाति और विशाल नाम के दो लड़का लड़की की डेड बॉडीज मिलती है, जिसके बाद अर्चना प्रसाद जो कि अपने 6 महीने के सस्पेंशन के बाद आती है उसे इस केस को क्रैक करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और बहुत ही जल्द अर्चना ये पता लगा लेती है कि विशाल और स्वाति दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर एंगेज थे।
सबसे पहले तो रुआनी शर्मा को एक ऑथर बैक्ड रोल के अंदर देखना बहुत ही अच्छा है और एक्ट्रेस ने अपना 100% दिया है जो कि आपको मूवी के अंदर साफ दिख जाएगा। और मूवी के फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ के अंदर आपको ज्यादा एंगेजिंग मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। मूवी के इंटरवल ब्लॉक को नाइसली डिजाइन किया गया है जो की कहीं न कहीं हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ा देता है की आखिर मूवी के अंदर आगे क्या होगा। ये मूवी 1 hour 40 minutes के अराउंड है जिसकी एडिटिंग क्रिस्प है और 1 time वॉचेबल है। बाकी 2023 में इस ड्रामा थ्रिलर मूवी को रेटिंग मिली है 7.4 की और ये मूवी भी आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। Strangely, you know, बात सब उसके मर्डर तक की नहीं है। तो गाइस नंबर 1 पर एक सीरीज है पीआई मीना। मीनाक्षी ईयर जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जो कोलकाता के अंदर काम करती है, लेकिन मीनाक्षी एक कार एक्सीडेंट में अपने मम्मी पापा को खो देती है और उस एक्सीडेंट के बाद उसके भाई को गहरी इंजरी हो जाती है जिसके बाद वो काफी दिनों तक बेड पर ही रहता है। लेकिन एक दिन जब मीनाक्षी अपने काम पर जा रही होती है तब उसके सामने एक वायरोलॉजी स्टूडेंट पार्थो का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद तुरंत ही मीनाक्षी पार्थो को पास के अस्पताल ले जाती है, लेकिन पार्थो नहीं बच पाता है, उसकी मौत हो जाती है जिसके बाद पार्थो की माँ मीनाक्षी को अप्रोच करती है कि वो उनकी मदद करे। दरअसल पार्थो की माँ को ऐसा लगता है कि पार्थो का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसका मर्डर किया गया था, जिसके बाद मीनाक्षी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मीनाक्षी की लाइफ के अंदर धीरे धीरे काफी सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ओवरऑल सीरीज बहुत ही अमेजिंग है जो कि आपको एक बार तो डेफिनेटली वॉच करनी है। बाकी 2023 में इस ड्रामा थ्रिलर सीरीज को रेटिंग मिली है 7.8 की और ये सीरीज आपको season 1 और 8 episode के साथ Amazon Prime Video पर देखने को मिलेगी। तो गाइज ये थी वो साउथ की कुछ और वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री वाली फिल्म है जो कि आपको एक बार तो डेफिनेटली वॉच करनी है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो के अंदर एड की गई मूवीज भी। तो अगर आपको वीडियो के अंदर जरा सा भी कुछ पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।